तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इजी स्टडी में। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि लूप्स का यूज़ कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और इस वीडियो में आपको एक प्रोग्राम बना के बताऊंगा जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि लूप्स का यूज़ कैसे कैसे किया जाता है हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। और अगर आप चैनल पर नहीं हैं तो नीचे जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर वीडियो से थोड़ी सी भी नॉलेज मिले तो यार प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना। तो चलते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पार्ट वन में हम व्हाइल लूप को कवर करेंगे कि व्हाइल लूप क्या होती है हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, और अगली दो वीडियोस में हम लोग फॉर लूप और डू व्हाइल लूप भी स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं हमारी व्हाइल लूप। तो सबसे पहले हमारे पास लूप या फिर लूपिंग स्टेटमेंट्स की डेफिनेशन आ जाती है। तो लूप्स होता क्या है? व्हेन वी हैव टू एग्जीक्यूट अ ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स, मतलब क्या होता है कि जब हमारे पास, मान लीजिए कि हमारे प्रोग्राम के अंदर क्या है, हमें क्या करना है कि ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट्स या फिर एक सिंगल स्टेटमेंट को ही बार बार अगेन एंड अगेन एग्जीक्यूट करना है, तो उसके लिए हम किसकी जरूरत पड़ती है, हमें लूप्स की जरूरत पड़ती है। मतलब क्या है कि जब भी हमें अपने प्रोग्राम के अंदर नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स या फिर सिंपल वन स्टेटमेंट को बार बार हमें उसे एग्जीक्यूट करवाना है, बार बार जब तक हम चाहें तब तक एग्जीक्यूट करवाना है अगेन एंड अगेन, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लूप्स का यूज करते हैं हमारी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। होता क्या, एग्जांपल के लिए अगर मैं आपको कहूं कि आपको एक से लेकर 100 तक के नंबर्स को अपने आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवाना है, तो आप क्या करेंगे सी प्रोग्रामिंग के अंदर 100 बार क्या करेंगे, प्रिंट एफ का यूज करेंगे। 100 बार ही प्रिंट एफ का यूज करते जाएंगे तब जाकर आपके पास क्या होगा, 100 नंबर प्रिंट होगी। तो दोस्तों ये काम बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। 100 बार प्रिंट एफ का यूज अगर आप करते जाओगे तो आपका प्रोग्राम बहुत ही लंबा हो जाएगा और ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं रहेगा आपके प्रोग्राम में। तो उसके लिए ही हमारे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लूप्स का यूज किया जाता है। तो लूप्स का डेफिनेशन यही होती है कि जब भी हमें किसी स्टेटमेंट को अगेन एंड अगेन क्या करवाना होता है, एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो उसके लिए हम किसका यूज करते हैं, लूप्स का यूज करते हैं। और लूप्स तब तक वर्क करेंगी जब तक हमारी कंडीशन फॉल्स या अनसेटिस्फाइड ना हो जाए। तो चलते हैं आगे। तो आगे क्या होता है हमारे पास, द कंट्रोल ऑफ लूप इज ऑफ टू टाइप्स। लूप्स जो होती है हमारे पास वो दो तरह की होती है। मतलब क्या, एक हमारे पास होती है एंट्री कंट्रोल लूप और दूसरी हमारे पास होती है एग्जिट कंट्रोल लूप। अब ये एंट्री कंट्रोल लूप क्या होता है, जो हमारे पास एंट्री कंट्रोल लूप होता है ना, वो चेक करता है सबसे पहले क्या होता है उसमें, एंट्री कंट्रोल लूप में सबसे पहले हमारी कंडीशन की चेकिंग होती है और फिर बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होती है। उसके उल्टा एग्जिट कंट्रोल लूप में सबसे पहले बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट होगी और फिर जाके क्या होगा, कंडीशन की चेकिंग होगी। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो फिर से क्या होगा, हमारी जो बॉडी ऑफ लूप एग्जीक्यूट हो जाएगी, वरना नहीं होगी। मतलब एंट्री कंट्रोल लूप में सबसे पहले कंडीशन की चेकिंग होगी और अगर वो कंडीशन ट्रू है तो बॉडी ऑफ लूप भी बार बार एग्जीक्यूट होती जाएगी जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी। उसके बाद अगर आ जाते हैं हमारे पास टाइप्स ऑफ लूप इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। दोस्तों हम सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर मेनली तीन तरह के लूप्स को स्टडी करेंगे। ये तीन लूप्स ही हम यूज करेंगे। सबसे पहले व्हाइल लूप आया था, फिर डू व्हाइल लूप आया था, और फिर आया था हमारे पास फॉर लूप। तो वो व्हाइल लूप है आज की वीडियो में हम उसे कवर करेंगे। तो बाकियों को हम ऐसे ही रखते हैं और व्हाइल लूप की तरफ चलते हैं, ठीक है ना। तो आज की इस वीडियो में हम व्हाइल लूप को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाता है सिंटैक्स ऑफ व्हाइल लूप, कि व्हाइल लूप का सिंटैक्स क्या होता है। तो सिंटैक्स देख लीजिए, बहुत ही सिंपल सा सिंटैक्स है। सबसे पहले हमारे पास एक रिजर्व्ड कीवर्ड होता है व्हाइल नाम का। इस व्हाइल नाम का रिजर्व कीवर्ड के बाद हमें क्या है, ब्रेसेस पैराथेसिस लगाने के बाद उसमें हम कंडीशन लिखते हैं अपनी, ठीक है ना। कंडीशन लिखने के बाद हम दो कर्ली ब्रेसेस डाल देते हैं जिसे हम कहते हैं बॉडी ऑफ लूप, और जिसमें ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट प्रेजेंट होता है। अगर जब तक ये कंडीशन क्या होगी, हमारी ट्रू रहेगी, तब तक जो ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट लिखा है हमने बॉडी ऑफ लूप के अंदर, वो एज इट इज एग्जीक्यूट होता जाएगा, बार बार एग्जीक्यूट होता जाएगा जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी। पहली लूप चलेगी, कंडीशन चेकिंग होगी और ये ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। फिर से क्या होगा, ये कंडीशन चेकिंग होगी और फिर से ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। और आपको बता दूं, लूप्स में आपको एक चीज हमेशा याद रखनी है कि लूप्स के लिए तीन स्टेप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। लूप्स को अगर आपको चलाना है सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, तो आपको क्या करना होगा, तीन स्टेप्स को हमेशा याद रखना है। वो कौन कौन से है, इनिशियलाइजेशन। हमें लूप्स चलाने के लिए सबसे पहले एक लूप्स को कंट्रोल करने के लिए एक वैल्यू रखनी होती है जिसे हम इनिशियलाइज करते हैं सबसे पहले। दूसरी चीज हमारे पास होती है इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का मतलब है कि हमें उसे ऐड करना है या उसे माइनस करना है। और थर्ड चीज हमारे पास आ जाती है जो है कंडीशन, कि कंडीशन पे भी डिपेंड करता है। जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी, जब कंडीशन को चेकिंग करेगा, जब तक कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक ही हमारा कोड एग्जीक्यूट होता जाएगा हमारे बॉडी ऑफ लूप के अंदर जो हमने लिखा है। तो यही हमारे पास मेनली यूज होता है किसका, लूप्स का। तो चलते हैं आगे। तो आपको मैंने बता दिया कि क्या होता है हमारे पास
कि लूप्स का कैसे कैसे एंट्री कंट्रोल लूप कैसा होता है, एग्जिट कंट्रोल लूप कैसा होता है, तो आपको बता दूं व्हाइल लूप जो हमारे पास है वो एक एंट्री कंट्रोल लूप है। क्यों है एंट्री कंट्रोल लूप? क्योंकि उसके अंदर सबसे पहले हमारे पास कंडीशन की चेकिंग हो रही है और उसके बाद ही जो बॉडी ऑफ लूप है वो एग्जीक्यूट हो रही है। तो सबसे पहले कंडीशन की चेकिंग हुई, बाद में जो कोड है वो एग्जीक्यूट हुआ, इसलिए इसे हम क्या कहेंगे, एक एंट्री कंट्रोल लूप कहेंगे। बिकॉज फर्स्ट ऑफ ऑल कंडीशन इज टेस्टेड इन व्हाइल सेक्शन, ठीक है ना। तो सब्सक्राइब भी कर देना यार प्लीज, अगर आप नए हैं इस चैनल पे, और अगर आपने कर दिया तो बहुत अच्छी बात है। और वीडियोस को लाइक किया करो और मुझे सजेशन जरूर दिया करो कमेंट सेक्शन में। तो चलो यार, आज इस वीडियो में हम व्हाइल लूप को समझने वाले हैं। एक प्रोग्राम बनाएंगे जिसमें हम क्या करेंगे, उसी भी किसी भी नंबर का एक मल्टीपल टेबल बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ व्हाइल लूप। तो चलते हैं हमारे सी कंपाइलर के ऊपर। तो यहाँ पे मैं ऑन कर लेता हूँ उसे। सेव करने के बाद मैं करूँगा फाइल पे जाके न्यू कर लूँगा और यहाँ पे एक नई फाइल बनाऊँगा। इसे मैं थोड़ा सा फुल स्क्रीन कर लूँ और यहाँ से शुरू करता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे क्या, एक ऐसा प्रोग्राम बनाएंगे व्हाइल लूप की हेल्प से जिससे मैं यूज़र से कोई भी नंबर इनपुट करवाऊँगा और उसी नंबर का एक मल्टीप्लीकेशन टेबल जो है मैं यूज़र के आगे क्या कर दूँगा, रख दूँगा। तो सबसे पहले कोई भी प्रोग्राम बनाने से पहले, जैसे कि मैंने आपको पहले ही कहा था, हम क्या करते हैं कमेंट लिख लेते हैं। तो यहाँ पे भी एक कमेंट लिख लेता हूँ मैं। तो कमेंट क्या होगा मेरा, मेनली प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द यूज ऑफ व्हाइल लूप इन सी लैंग्वेज, ठीक है। मेरे प्रोग्राम का नाम मैंने क्या रखा, प्रोग्राम टू एक्सप्लेन द यूज ऑफ व्हाइल लूप इन सी लैंग्वेज। मैंने सी लैंग्वेज के अंदर क्या है व्हाइल लूप को क्या करना है, अब क्या करना है, मतलब व्हाइल लूप को एक्सप्लेन करने के लिए एक प्रोग्राम बनाने जा रहा हूँ। तो मैं मेनली एक मल्टीप्लीकेशन टेबल बनाऊंगा, वो कैसे बनाऊंगा वो आपको आगे आगे बताता जाऊंगा। तो जब भी हम कोई प्रोग्राम बनाते हैं सबसे पहले हम क्या इंक्लूड करते हैं, हेडर फाइल्स को इंक्लूड करते हैं। तो यहाँ पे मैं हेडर फाइल इंक्लूड कर देता हूँ, हैश इंक्लूड stdio.h स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, और दूसरी मेरी क्या क्या होगी, हैश इंक्लूड conio.h। दो तरह की हेडर फाइल्स मैंने इंक्लूड stdio.h और conio.h को इंक्लूड कर लिया है जी। मेरा पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है। उसके आगे मैं क्या करूँगा, वर्ड को एज मेन रखूंगा। वर्ड को मेन रखने के बाद दो पैरेंथेसिस लगा लूंगा और यहाँ से मेरी कर्ली ब्रेसेस होगी शुरू। तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, वॉइड मेन करने के बाद मेरा प्रोग्राम यहाँ से शुरू होगा। मैं इसमें करूँगा क्या, सबसे पहले मैं एक n नाम का एक वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा जो कि इंटीजर टाइप का होगा, इंट n, और एक i नाम का डिक्लेयर करूँगा जो मैंने आपको कहा था कि जब भी हम किसी लूप को चलाते हैं तो उसके लिए हम एक पहला वेरिएबल डिक्लेयर करना ही पड़ता है जो कि कंट्रोल वेरिएबल होता है जिसे हम इनिशियलाइज करते हैं, जो मैंने एज रखा है आई। तो इंट एन आई नाम के दो मैंने यहाँ पे क्या वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया इंटीजर टाइप के, और सेमी कोलन लगाना तो एक कंपल्सरी है। उसके आगे मैं क्या करूँगा, यूजर से कोई भी नंबर इनपुट करवाऊंगा जिसका वो मल्टीप्लीकेशन टेबल चाहता है। तो यहाँ पे करूँगा प्रिंट एफ मैं लिखूंगा एंटर दैट नंबर, एंटर द नंबर, सॉरी, हूज मल्टीप्लीकेशन टेबल इज टू बी कैलकुलेटेड, कि वो वाला नंबर लिखिए जिसका आप मल्टीप्लीकेशन टेबल चाहते हैं। तो जब यूज़र वो नंबर एंटर करवाएगा तो मुझे उस नंबर को कहाँ पे स्टोर करवाना है, एन के अंदर स्टोर करवाना है जो मैंने पहले ही वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया। तो यहाँ पे स्कैन एफ का यूज़ करूँगा और यहाँ पे मैं करूँगा स्लैश एन लगाऊँगा जरूर, परसेंट डी क्योंकि इंटीजर टाइप का, और इसे मैं कर दूँगा एड्रेस टू एन कि इसे एन में स्टोर करवाना है। अब आप कहीं कहेंगे कि यहाँ पर हमने स्लैश एन का यूज़ क्यों किया, मुझे पता है कि यहाँ पे इतना नेसेसरी नहीं है, बट मेरे कंपाइलर में ये एक डिफॉल्ट कह सकते हैं या फिर कोई प्रॉब्लम कह सकते हैं कि अगर मैं स्लैश एन ना लगाऊं तो प्रोग्राम अच्छे से नहीं बनता। तो आगे चलते हैं, या जो भी नंबर वो यूज़र एंटर करवाएगा उसे मैं कहाँ पे स्टोर करवा दूंगा, एन के अंदर स्टोर करवा दूंगा। तो अब मैं यहाँ पे लूप्स का यूज़ करने जा रहा हूँ। तो लूप्स का यूज़ करने के लिए मैंने आपको पहला बताया कि हम किसी भी वैल्यू को इनिशियलाइज़ करते हैं, तो व्हाइल लूप का यूज़ कर रहा हूँ। तो व्हाइल लूप में हम पहला वैल्यू को इनिशियलाइज करेंगे, तो मैंने यहाँ पे इनिशियलाइज़ कर दिया आई इक्वल टू, मैंने कर दिया वन, आई की वैल्यू जो मेरी वो वन के इक्वल कर दिया। अब मैं यहाँ पे व्हाइल लूप का यूज़ करूँगा। तो व्हाइल लूप में मैं क्या करूँगा, एक कंडीशन दे दूँगा कि जब तक मेरी जो है एन की वैल्यू जो है, मतलब जब तक क्या कि जब तक जो है, देखिए यहाँ पे वाई लिखने के बाद मैं कंडीशन लिख दूंगा कि जब तक जो मेरी है आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू एन, जब तक आई की वैल्यू जो है वो 10 से कम ना हो जाए, आई इज़ लेस देन इक्वल्स टू 10, ठीक है।
कि जब तक मेरी जो आई की वैल्यू वो 10 से कम हो या 10 के इक्वल हो तब तक मेरी लूप चलनी चाहिए, ये मैंने एक कंडीशन दे दी है। क्योंकि कोई भी मल्टीप्लिकेशन टेबल हो वो क्या करता है, 10 तक ही होता है, उससे ज़्यादा तो होता नहीं है। 10 तक ही मेरी मल्टीप्लिकेशन टेबल हम लिखते हैं। तो यहाँ पे मैंने दे दी है कंडीशन कि जब तक आई की वैल्यू 10 से कम है या 10 से इक्वल है तब तक हमारी जो लूप है वो चलनी चाहिए, ठीक है। ये मैंने कंडीशन दे दी, और कंडीशन देने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा, बॉडी ऑफ लूप है, और बॉडी ऑफ लूप में मैं क्या करूँगा, प्रिंट ऑफ करवा दूंगा। परसेंट डी क्रॉस परसेंट डी इक्वल्स टू परसेंट डी, ठीक है। मैंने ये की किस लिए किया, आप कई कहेंगे कि यार ये समझ नहीं लग रहा प्रोग्राम, मैं आपको समझाता हूँ। देखिए वाइल के अंदर मैंने कंडीशन लिख दी कि जब तक, पहले मैंने आई की वैल्यू इनिशियलाइज कर दी कि 1 है, जब तक मेरी आई की वैल्यू 10 से कम होगी या 10 के इक्वल होगी तब तक ये लूप चलनी चाहिए, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन टेबल मुझे 10 तक चाहिए। और यहाँ पे मैंने प्रिंट ऑफ कर दिया, अंदर क्या करवाया मैंने, परसेंट डी इंटू परसेंट डी इक्वल टू परसेंट डी। अब ये एड्रेस किसे कर रहा है, यहाँ पे जो मेरा पहला परसेंट डी है ये एड्रेस कर रहा है मेरा एन से, ठीक है। दूसरा कर रहा है आई से, और थर्ड किससे कर रहा है, एन इंटू आई, ठीक है। आइए आपको समझ लगा होगा मतलब क्या है कि एन इंटू आई, एन क्या, कोई भी नंबर होगा जो यूजर इनपुट करवाएगा। मान लो 2 का टेबल है तो 2 होगा, 2 मल्टीप्लाई किससे होगा, परसेंट डी, और यहाँ पे परसेंट डी आई, आई की पहली वैल्यू 1 होगी, फिर से लूप चलेगी, फिर 2 होगी, ऐसे चलते चलते 10 तक जो हमारी लूप चलेगी और 10 तक की टेबल जो है वो प्रिंट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं आई प्लस प्लस भी करूँगा ताकि इंक्रीमेशन होती रहे। मान लीजिए कि पहला अगर 1 ही, फिर 1 प्लस प्लस हुआ, फिर 2 हो जाएगी, फिर 1 प्लस प्लस फिर से हुआ, फिर 2 प्लस 1 3 हो जाएगी, ऐसे सोन हमारी जो लूप है वो चलती जाएगी। अब आप देखेंगे क्या होगा, तो यहाँ पे मैं गेट सी एच यूज़ कर लूँगा क्योंकि हमारा प्रोग्राम अच्छे से तैयार हो चुका है। गेट सी एच के बाद यहाँ पे मैं लगा दूंगा सेमी कोलोन, और यहाँ पे अपना प्रोग्राम करूँगा कट, और यहाँ पे मैं क्लियर स्क्रीन का भी यूज़ कर रहा हूँ। तो क्लियर स्क्रीन का यूज़ करूँगा यहाँ पे, तो आप चलते हैं इसे रन करते हैं, रन करके देखते हैं कि कैसे वर्क करता है ये, ठीक है। तो जैसे मैं इसे रन करता हूँ, देखिए एंटर अ नंबर हुज मल्टीप्लिकेशन टेबल इज टू बी कैलकुलेटेड। मान लीजिए मुझे 2 का टेबल जो है उसे प्रिंट करवाना अपने आउटपुट स्क्रीन के ऊपर, तो मैं यहाँ पे 2 एंटर करता हूँ, देखिए होगा क्या, 2 1 जा 2 2 0 4, 2 2 6, 2 4 जा 1, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, पूरा का पूरा जो 2 का टेबल है वो प्रिंट हो चुका है। और अगर हम इसे प्रिंट एफ की हेल्प से प्रिंट करवाते तो कितना डिफिकल्ट होना था, मुझे 10 बार प्रिंट एफ का यूज़ करना पड़ना था, वो ये करना बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है। मान लीजिए फिर से रन करते हैं ऐसे, फिर से मैं अब मैं क्या करूँगा, मुझे मान लीजिए मुझे 100 का टेबल प्रिंट करवाना है, तो देखिए एज इट इज़ 100 का टेबल मेरे पास प्रिंट हो चुका है बहुत ही आसान स्टेप से। मुझे पता है आपको कुछ कम समय लगा होगा, इसलिए आपको एक बार फिर से समझाता हूँ। देखिए सबसे पहला हमारा काम क्या होता है, हमने एन और आई 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं। एन हमें वो वाला वेरिएबल है जिसमें हमने वो वाली वैल्यू स्टोर करवानी है कि जिसका टेबल हमें प्रिंट करवाना है, और आई हमारे पास क्या है, कंट्रोल वेरिएबल है फॉर वाइल लूप। वाइल लूप के लिए कंट्रोल वेरिएबल हमें डिक्लेयर करना पड़ता है जिसकी हमें इनिशियलाइजेशन करनी पड़ती है। बस हमने वही किया, हमने इसकी इनिशियलाइजेशन कर दी, हमने कह दिया कि आई की वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल है। फिर हमने उसके बाद क्या किया, वाइल लिखा, वाइल लिखने के बाद हमने कंडीशन दे दी कि जब तक आई की वैल्यू जो है वो 10 से कम है या 10 के इक्वल है, ठीक है। जब आई की वैल्यू 10 से कम रहेगी या 10 से इक्वल रहेगी तब तक हमारी लूप जो चलनी चाहिए। सबसे पहले मैंने क्या करवाया कि एन इंटू आई, एन इक्वल टू एन इंटू आई, मतलब क्या, एन मेरे पास क्या है, वो वाला नंबर मान लीजिए 2 है, 2 × 1 इक्वल टू क्या आ गया, 2 हो गया। फिर उसके बाद क्या हुई, इंक्रीमेशन हुई आई प्लस प्लस, जब आई प्लस प्लस हुआ फिर से ये लूप चली, ठीक है, फिर से कंडीशन चेक हुई, अब आई क्या हो गया, 2 हो गया, अब 2 फिर से कंडीशन ट्रू है, फिर से ये लूप चलेगी, ऐसे चलते 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 क्या होगा, 2 × 2 हो जाएगा, 2 × 3 हो जाएगा, 2 × 4 हो जाएगा, सोन चलती रहेगी। और जब लास्ट तक जाके यहाँ पे 10 हो जाएगा, 10 तक क्या होगा, कंडीशन फोर्स हो जाएगी, 10 के बाद कंडीशन फोर्स हो जाएगी, और तब ये लूप चलना बंद हो जाएगी और कंट्रोल ऑफ लूप जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इससे बाहर आ जाएगा, और ऐसे ही हमारी लूप जो वर्क करती जाएगी। मतलब क्या, जब तक कंडीशन जो वाइल की ट्रू होगी तब तक ही जो अंदर हमने प्रिंट एफ या फिर कोई कोड लिखा है वो एग्जीक्यूट होगा, और तब तक ही इंक्रीमेशन होगी, और जैसे जैसे इंक्रीमेशन होती जाएगी तब तक ही आई की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी, यानी कि कंट्रोल वेरिएबल की वैल्यू वैसे इंक्रीज करती जाएगी, और जब तक कंडीशन फोर्स ना हो जाए तब तक हमारी लूप एज इट इज चलती जाएगी। यहाँ तक 10 10 लिखा है मैंने, अगर मान लो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 20, तो सॉरी 12 लिख देता हूँ, तो देखेंगे आप यहाँ पे 12 तक जो अब हमारा क्या होगा, 12 तक टेबल प्रिंट होगा। देखिए
12 और 24। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि कंडीशन मैंने चेंज कर दी कि जब तक 10 12 से कम वैल्यू होगी या 12 के इक्वल वैल्यू होगी तब तक तुम्हें क्या करना है, लूप को चलाना है। अब मैंने 10 कर दिया तो जब तक आई की वैल्यू 10 के इक्वल नहीं हो जाती तब तक ये लूप चलती जाएगी, तब तक यह होगा मल्टीप्लाई करती जाएगी उस नंबर को इससे नंबर अगले वाले नंबर से 1 2 3 4 5 से जब तक, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रही है इंक्रीमेशन हो रही है और नंबर इंक्रीज करता जा रहा है 1 1 2 2 2 2 4 2 3 6 ऐसे चलता जाएगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो में समझ आ ही गया होगा कि कैसे हम आसान तरीके से लूप्स का यूज़ कर सकते हैं अपने प्रोग्राम को बहुत ही सिंपल बनाने के लिए, और आपको व्हाइल लूप का कंसेप्ट एकदम क्लियर हो गया होगा। तो मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।